हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और भाई साहब, सब खैरियत से हैं? तो भाई, आज का जैसे ही आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि 19 साल पुराना, 17 साल पुराना कबूतर, और जैसे कि आप कासनी कबूतर भी देख लिए, ठीक है। और ऐसा ही जो है ओल्ड से ओल्ड कबूतर आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि अब नस्लें बची नहीं है, ठीक है। 19 साल का कबूतर है, एक 17 साल का कबूतर है, ऐसे ही पुराने पुराने कबूतर आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी पुरानी ब्रीड के कबूतर देख सकें। तो भैया देखिए, यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे। पीछे देखिए भाई के पास, मतलब कि डॉग ब्रीडिंग में बाहर के भी है, कुछ अपने भी हैं। ठीक है भाई, बहुत ही समझ लिए, दिल धक धक हो रहा है, और किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल से ऊपर चढ़े थे। और ये हमारे आकाश भाई, निगम भाई, भाई बता दिए लाइक सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भाई, मेरे छोटे भाई के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भाई ये कबूतर देखिएगा, बहुत ही गजब के हैं। और भाई पीछे देखिए भैया, बहुत दिल धक धक हो रहा है भाई, क्या बताया जाए। आकाश भाई की वजह से मैं गया था और बहुत ही डर लगा मुझे। और आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई, अंदर और भी बैठे हैं खतरनाक वाले, बहुत डर लगा भाई। तो भाई देखिए, ये फुलसरा कलदुमा कबूतर है। और भाई इसकी उड़ान वगैरह क्या है? 2:30 बजे तक है गर्मी में। अच्छा, 2:30 बजे तक है इसकी गर्मी में उड़ान, और काफ़ी ही अच्छा कबूतर है। और इसके बारे में कुछ बताएंगे भाई आप? भाई हमारे घर ही की नस्ल है। अच्छा, घर की नस्ल है ये। हाँ, इनकी उड़ान ये कभी कटते नहीं है। अच्छा, पंजे भी देख लीजिए, सब पंजों का। हाँ भाई, पंजे बहुत अच्छे, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ये देखिए आप, पूरा कबूतर देखिए भाई, ये देखिए, बहुत ही अच्छा कबूतर है। और ये जो है नस्लदार कबूतर है, भाई के घर की ब्रीड है, और बहुत ही बेहतरीन नस्ल का है। 2:30 बजे तक उड़ा हुआ कबूतर है। अब इसको भाई ब्रीड पे लगाएंगे? हाँ भाई, ब्रीडिंग डालेंगे। अब इसको ब्रीड पे लगाएंगे भाई, ठीक है। ये दूसरा कबूतर है भाई, नर है मादा? ये भाई नर है, ये 17 साल पुराना कबूतर है। 17 साल पुराना कबूतर भाई देख लिए, और इसकी थोड़ी ज्यादा ही बड़ी वीडियो बनेगी। इसकी आंख वगैरह देखी तो, और इसकी फिटनेस देख ली, अभी भी बरकरार है। और इसके पर कटे हुए हैं भाई, ये इसके पंजे हैं भाई, ठीक है, पूरा दिखाइए। फीका कबूतर है ये, और बहुत ही गजब का कबूतर है भाई। इसको ब्रीड पे लगाए होंगे आप? हाँ भाई, सब फुलसरे कबूतर इसी से। अच्छा, सब इसी के फुलसरे हैं? फुलसरे कलदुमे, फुलसरे अमरसरे, सब इसी एक कबूतर से बना है। इसी एक कबूतर से बना है। और आप लोग को नहीं यकीन हो रहा है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कबूतर, ठीक है दोस्तों। और इस कबूतर के लिए आप लोग कमेंट में बताएं कैसा लगा कबूतर ये। भाई 17 साल पुराना कबूतर है ये, आप लोग भी कहेंगे कि भाई इतना पुराना कबूतर कहीं भी किसी की छत पे नहीं देखने को मिलेगा भाई, इतना पुराना कबूतर। हमारे भारत हिंदुस्तान की नस्ल है भाई ये, और ना ही ये कहीं हो पाएगी ना कहीं मिल पाएगी भाई, ठीक है। चोरी हो जाए वो बात अलग है। तो भाई देखिए, ये जो कबूतर है, अभी आपको जो 17 साल पुराना कबूतर दिखाया है, ये भी उसी का पट्टा है, ये भी नर निकला है। देख लिए इसकी क्वालिटी, देख लिए भाई, ये घर की नस्ल है, ब्रीड है ये। और भाई हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, और पूरा एड्रेस आपको बताएंगे। पहले आप लोग कबूतरों का शौक करिए अच्छे तरीके से, और इसके पर दिखाइए भाई जरा। ये कुछ पर हैं भाई, कुछ काट के रखे हैं जाड़े की वजह से, ठंडक में काट देते हैं भाई, कोई भी अपने पसंदीदा कबूतर जाया नहीं करना चाहता है। ये देखिए इसके पंजे, देखिए हल्के जामनी शेड में है। ये देखिए भाई, ये भी भाई पुरानी नस्ल के कबूतर भाई ने अच्छे तरीके से बनाए हैं, और ऐसे ही हर एक को बनाने चाहिए भाई। जो कबूतर दिखाया गया है भाई, ये उसी की पट्टी है, ये मादा में निकली है, ठीक है। और इसकी भी आंख वगैरह आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, ये भी पुरानी नस्ल का कबूतर है, ठीक है, कबूतरी है मतलब। और पर काट के रखे हैं भाई सर्दी की वजह से, ठीक है। और इसके पंजे दिखाइए जरा आप भाई, हल्की बारिश 2 दिन से हुई है तो इस वजह से पंजे वगैरह गंदे हो गए हैं, पूरा दिखाइए इसको। ये भी वही पुरानी नस्ल की कबूतरी है भाई। आज की वीडियो ऐसी है, आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी ऐसे कबूतरों की वीडियो, ठीक। अपने ही लखनऊ में भाई छुपे हुए थे कुछ कबूतर, आज मैंने ढूंढे हैं और वीडियो बनाई है। तो भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को भाई। देखिए ये भी इन्हीं के घर का है कबूतर, है फुलसरा कबूतर है, ठीक है। और इसके भी पर भाई ने काट के रखे हैं, ठीक है, तब भी आपको थोड़े बहुत पर दिखाते हैं। कुछ पर काट के रखे, कुछ कलियाँ सर्दी की वजह से। ये देखिए इसके पंजे भाई, पूरा दिखाइए भाई ज़रा इसको। ये देखिए भाई, ये हमारे आकाश भाई हैं,
उनके कबूतर हैं ये, बहुत ही गजब के कबूतर बना के रखे हैं। बताओ निगम सब जान। निगम भाई, आकाश निगम भाई। तो भाई देखिए, ये जो है कासनी मादा है भाई है। इसकी आंख देखिए और इसका कलर देखिए, सेम आपको मिलेगा। ठीक है, धूप नहीं है, इस वजह से थोड़ी आंख ज्यादा साफ क्लियर नहीं दिख पा रही है। मौसम यहाँ का थोड़ा गड़बड़ है। और पर वगैरह काट के रखे हैं भाई ने, कुछ कलियां काट दी हैं। मैं फिर से बताऊंगा भाई, सर्दी चल रही है। इसे देखिए भाई, कबूतर है पूरा, गजब का कबूतर है भाई। पंजे दिखाइए जरा इसके, ऐसे कलर वैसे पंजे। ये देखिए भाई, नाखून वगैरह सेम, और लाल पंजे हैं, खुश्क पंजे। ये देखिए मादा भाई, ऐसे कबूतर भाई बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ना मंडी में देखने को मिलेंगे। भाई एक और निगम भाई का कासनी कबूतर देखिए आप लोग, उसी का पट्टा है ये, उसी का पट्टा है जो अभी कासनी मादा दिखाई है। ये उसी का पट्टा है भाई, बहुत ही गजब का निकला है। 1 बजे तक ये भी उड़ा गर्म, 1 बजे तक ये भी उड़ा है गर्मियों में। और इसके पर वगैरह दिखाइए भाई जरा, इसे देखिए भाई, पर देखिए आप लोग, और इसके पंजे देखिए, बिल्कुल रेड पंजे हैं, खुश्क पंजे। और ये देखिए आप लोग पूरा कबूतर, इसके पट्टे जो हैं भाई ये कासनी फूल के निकलते हैं। और बहुत ही गजब का कबूतर है भाई, आपको आज एक से बढ़कर एक पुरानी नस्लदार कबूतर देखने को मिलने हैं भाई। एक नस्ल और देखिए भाई, ये घर की है। और ये बिल्कुल ही पूरा कासनी कबूतर है, जैसे गर्रों में कबूतर होते हैं वैसे कासनी गर्रा कबूतर है ये। और ये देखिए इसकी चोंच देखिए, जैसे शाहजहाँपुरी टाइप के कबूतर होते हैं उनकी चोंच देखने को मिलती है। आँख सेम कलर है, जैसा कलर है वैसी आँख है इनकी कलर है। और ये देखिए भाई कबूतर, देखिए भाई ऐसे कबूतर भाई मैंने कभी नहीं देखे थे, और आज मैं देख रहा हूँ भाई, ख़ास तौर पे कासनी कबूतर जो देख रहा हूँ मैं, ये हमारे आकाश भाई का कबूतर है निगम भाई। इसके पंजे दिखाइए भाई, ये देखिए भाई पंजे देखिए, और छोटे पंजे हैं ये। पहली पाक का पट्टा है ये। अच्छा पट्टा ही है, पहली पाक का पट्टा है ये भाई, उसी का पट्टा है क्या? नहीं नहीं, अलग नस्ल। अच्छा ये अलग नस्ल का कबूतर है, ये भी अपने यहीं की नस्ल है। सब अपने सब घर ही की नस्ल है, बाहर की कोई आपको नहीं देखने को मिलेगी। हरे कबूतर आपने बहुत देखे हैं, हरा सवच कबूतर है। और इसकी आंख पे जरा सा आप लोग गौर कीजिएगा, ये देखिए इसका तिल जो है ना ऊपर चढ़ा हुआ है, ये दोनों आंख में ऐसा ही है। आपको दूसरी आंख भी दिखा देते हैं, ये देखिए ठीक है। और ये देखिए पूरा कबूतर यार, शाहजहाँपुरी टाइप का लग रहा है लेकिन ये शाहजहाँपुरी नहीं है, उससे भी सवज हरे है। अच्छा शाहजहाँपुरी हम नहीं मानते। अच्छा ये देखिए पट्टा है, पंजे देखिए पट्टा है ये, पूरा दिखाई जरा, ये देखिए पूरा कबूतर भाई है। बहुत ही अच्छा कबूतर है, ऐसा नहीं देखने को मिलते हैं बहुत कम। ये भी 1:30 बजे तक उड़ते हैं गर्मी में। अच्छा 1:30 बजे तक इनकी भी उड़ान है भाई, वो तो लग ही रहा है नस्ल देख के। और बढ़िया कबूतर है, खूबसूरत कबूतर है भाई। अच्छा हाँ, तो भाई ये भी उसी का भाई है जो अभी कबूतर आपको दिखाया, उसी के साथ का जो है, मतलब कि उससे पहले का पट्टा है ये। ये भी नरों में खुला है भाई। हाँ नर। इसकी आँख देखिए भाई, ये देखिए भाई बहुत ही गजब की आँख है इसकी। और ये देखिए इसके पूरे पर हैं भाई, बहुत ही गजब के पर है, गैप नहीं मिलेगा आपको। और ये देखिए इधर के पर देख लिए आप। कुछ कबूतर भाई बरसात हुई है 2 दिन तो यहाँ इस वजह से कुछ गंदे हो गए हैं। क्वालिटी देखिए, नस्ल देखिए आप लोग, पुरानी नस्लदार कबूतर दिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत ही गजब, ये देखिए इसके पंजे थोड़े गंदे हैं इस वजह से नहीं दिखाए जाएंगे आपको। ये देखिए भाई एक हरा कबूतर और है, और ये भी आपके घर ही का है। और ये नर है भाई मादा है? नर पट्टा है भाई, ये नर, ये भी नर पट्टों में चेक करेंगे, अभी चेक नहीं किया। अच्छा अभी चेक नहीं किया है, इसको पर दिखाइए भाई जरा, ये देखिए इसके पर, ठीक है भाई बहुत ही शानदार है। और ये देखिए पूरा कबूतर, पंजे वगैरह कुछ गंदे हो गए भैया, जाल वगैरह भी साफ हो चुका है। अब ये है कि जाल सुबह ही साफ किया, धूप वगैरह अच्छे तरीके से निकले तो ये लोग जो है कुछ साफ सुथरे हो जाएंगे। ये देखिए भाई ऐसे नस्लदार कबूतर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। जैसे कि अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये जो कबूतर दिखाया गया हरा, ये उसी का भाई है, उसी के साथ का पट्टा है, ठीक है। ये भी भाई नर में खुला है? हाँ नर ही है, ये भी नर में खुला है, ठीक है। और ये देखिए इसकी आँख देखिए भाई, ये देखिए इसके पर कुछ कलम लगे हुए हैं, ठीक है, पर सबके कलम लगी ठंडा। अच्छा ये देखिए भाई कबूतर सभी अच्छी क्वालिटी के हैं, सभी पुराने नस्लदार हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उड़ना ही उड़ना है इनको। और भाई जो है गर्मी की तैयारी कर रहे हैं अगले साल की। इसके पंजे दिखाइए भाई,
ये देखिए भाई कुछ पंजे देख लिया आप लोग, दिखा दे रहे हो ना, इंसान कहता पंजे नहीं दिखाए आपने। ये देखिए कबूतर, बहुत ही शानदार कबूतर है, क्वालिटी भी मस्त है इसकी। तो भाई देखिए ये जो है नीलधुमा कबूतर है, और इसकी एज कितनी है वो भाई बताएंगे, भाई बताइए। 19 साल भाई एज है। 19 साल है इसकी एज जो है भाई, वो 19 साल है। आप लोग शायद यकीन ना कर रहे हो लेकिन बट ये 19 साल पुराना कबूतर है। और ये देखिए इसके, इसी से भाई आप लोग पहचान लिए, अभी भी ये जिंदा है, ठीक है, ऊपर वाले कर्म से। और ये देखिए इसके पंजे देखिए भाई, 19 साल ओल्ड कबूतर भाई, 20-21 साल के तो हम ही है, 19 साल ओल्ड कबूतर है। अब देख लिए भाई, और कितना गजब का है, और अभी भी ये मतलब कि जो है फुर्तीला है, अच्छा है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग भी इस कबूतर के लिए भाई कमेंट करिएगा, और इस कबूतर के लिए ज़रूर लाइक करिए। तो भाई देखिए गर्री मादा है, ठीक है, और ये भी भाई के घर ही के कबूतर हैं, ठीक है, और ये भी पट्ठों में अभी तैयार हुई होगी। नहीं, 2 साल की है। अच्छा, 2 साल की है, क्योंकि ये जो है ना जिंदगी में सिर्फ उड़ी तो है, ये सिर्फ उड़ी है, बच्चे अच्छे नहीं पलवाए, कुछ भी नहीं करवाया है, और पर जो है कटे हुए हैं। ये इसकी आँख आप अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है दोस्तों, 20 साल पुरानी रिंग देखिए, और इसके आज तक बच्चे कटे नहीं कभी। अच्छा, इस नसल के 20 साल ओल्ड नस्ल के कबूतर हैं ये, और इसके बच्चे कभी कटे नहीं है, उड़ान भी इनकी बहुत ही गजब की होनी चाहिए भाई। और ये देखिए भाई, मेरे हिसाब से भाई अभी तक तो हम मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वीडियो बनाने, ऐसे कबूतर मुझे कहीं नहीं दिखे, ठीक है। तो दोस्तों देख लिए सिर्फ मलियाबाद को थोड़ा छोड़ के, क्योंकि वहाँ थोड़े टक्कर के थे, और कहीं भी मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे कबूतर मुझे दिखे, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये भी उसी के साथ की पट्टी है जो अभी गर्री मादा आपको दिखाई है, ठीक है, सगी बहन ने साथ की है। और ये जो है भाई, ये अभी ठंडा भाई अक्टूबर में उड़ी थी, बैठ नहीं पाई थी, अक्टूबर में उड़ी थी तो ये बैठ नहीं पाई थी, तो 3 दिन बाद ये अपने घर वापस आई। घर की बहुत पक्की है, पंजों की पक्की है। और ये देखिए इसकी आँख वगैरह आप लोग देख लिए अच्छी तरीके से, सहारनपुरी स्ट्रक्चर एकदम है, बहुत ही गजब के भाई। और इसी वजह से भाई ने जो है परों में कैची लगा दिए, कैच कर दिए हैं। और ये देखिए भाई, बहुत ही गजब के कबूतर भाई, मुझे मेरा भी दिल खुश हो गया आज के कबूतर देख के। और भाई के पास ऐसे कबूतर हैं, बहुत दिल खुश हुआ भाई। ऐसे ही आप लोग भी पुरानी ब्रीडे अगर बचा के रखते तो कहीं से आप लोगों को मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। तो भाई एक कर्रा कबूतर है, ये गहरे गर्रों में आएगा, और ये भी भाई के पुरानी नस्ल का कबूतर जो अभी आपको 2 मादाएं दिखा उसी के साथ का है ना भाई? नहीं नहीं, ये अलग नस्ल है। अच्छा, ये अलग गर्रों का पट्टा है, मतलब कर रहे थे। अच्छा, ये गहरे गर्रों का पट्टा है, और ये भाई मादा पट है, और इसके जो बाप था मतलब कि वो भी बहुत ही अच्छे उड़ान का था भाई, शाम तक नहीं उतर पाया, जो कि भाई सच बात है। आप लोग भी क्वालिटी वगैरह देखिए और पहचानिए, अगर ना यकीन हो तो आइए उड़ा के दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके पंजे भाई, पूरा दिखाइए भाई, ये देखिए। अगर किसी भाई को ना यकीन हो कि इतने नहीं उड़ते हैं तो आइए, उड़ान वगैरह भी हो सकती है, लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में नहीं भाई। अभी जो गहरे गर्री मादा दिखाई है, उससे पहले वाली जो दिखाई है उसी के साथ के, मतलब आगे पीछे का पट्टे, ये सब सगी बहन है, सगी बहन है, ये भी पट मादा में निकली है। और ये देखिए इसकी आँख वगैरह आप लोग देखिए, ठीक है, और ये देखिए पूरी मादा, ठीक है, सहारनपुरी क्या है। और जो है, और इसको आप देखिए, आप सोचेंगे सहारनपुरियों से क्रास है, लेकिन नहीं भाई, क्रास वास नहीं, ठीक है, ये हमारे यहीं की नस्ल है, बाहर की कोई नस्ल नहीं है, कि सहारनपुर की कोई नस्ल नहीं है, सब अपने ही लखनऊ में भाई ने बनाई है। और भाई का शौक बहुत पहले से है भाई, कब से शौक कर रहे हैं आप? ये शौक हमारे बाबा के टाइम से है। अच्छा, लगभग पिताजी के टाइम से है इनके, और काफी पुराना टाइम है, मतलब कि 100 साल का शौक हो गया, 100 साल का शौक, मतलब खानदानी शौक है, ये खानदानी ही है। आज की जो वीडियो है इसमें सभी भाई के घर के कबूतर दिखाए जा रहे हैं आपको, ये भी भाई 4-5 साल पुरानी हो गई है, ये भी रात रह के आई है। और ये देखिए आप लोग इसकी आँख वगैरह देखिए भाई, देखेगा तो आदमी समझ जाएगा उड़ी की कोरी है। हाँ भाई, झूठ बोलने वाली बात है। ये देखिए पर में कैंची लगा के रखी है सर्दी की वजह से, ठीक है, और पंजे देख लिए आप लोग, कुछ पंजे जो है गंदे वगैरह हो गए हैं, तो उस पर मत जाइए, बरसात वगैरह होती है हर तरफ, ठीक है। तो इसको देखिए भाई, बहुत ही गजब की ये है, फुलसरी कलदुमी कबूतरी, सफ़ेद वाले का जो है, मतलब कि पट्टी है ये, जो सफ़ेद कबूतर दिखाया है 19 साल ओल्ड,
19 साल पुराना जो, हाँ जो दिखाया है उसी की ये पट्टी निकली थी, और उसके जो पट्टे जो है सेम ऐसे ही निकलते हैं, गले फूल सफेद बाकी, हाँ बाकी सफेद, और ये जो है गले में फूल है इसके, और ये 4-5 साल ओल्ड हो गई है। ये भी देख लिए भाई, 1-1.5 बजे तक ये भी उड़ी है, मतलब कि भाई के कबूतर जितने भी हैं सब रिजल्टेड है। और आप लोग शौक करिए भाई, ऐसे कबूतर आपको लखनऊ के अंदर या पूरे यूपी में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे जो कि ओल्ड ब्रीड हैं। ठीक है दोस्तों, भाई जैसे कि कासनी कबूतर अभी इससे पहले आपने देखा था, ये भी उसी के साथ की पट्टी मादा है ना भाई, ठीक है ये मादा है, और जैसा इनका कलर है वैसे इनके आँखों का कलर दीदे को छोड़ के मतलब कि, और ये देखिए इसके पर कैची लगे हैं। ठीक है, सर्दियों में हर कोई भाई कैची लगाता है, बहुत कम ही लोग हैं जो उड़ा उड़ा के ज़ाया करते हैं। ये देखिए भाई इनका कलर देखिए भाई आप, ठीक है कासनियों में आएगा ना भाई इसका, बहुत ही गजब का कलर है भाई, ऐसा कलर मैंने कभी मतलब कि बहुत ही कम ही कबूतरों में देखा है। और ये हमारे निगम भाई के कबूतर हैं, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बताइएगा, और भाई प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये पुरानी नस्ल के कबूतर लोग देख पाएँ भाई। ठीक है, तो भाई जैसे कि भाई के पास कितने मद्रासी आपके पास कितने होंगे? 15-20 हैं। 15-20 मद्रासी भी हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ तो कोई मद्रासी नहीं रखता है ना ही पंजाबी रखता है भाई, अपने शौक के लिए रखे हैं, सिर्फ शौक के लिए रखे हैं। और ये देखिए भाई इनकी चोंच वगैरह देखिए, इनकी उड़ान तो भाई पूछिए नहीं, बहुत ही गजब की उड़ान होती है, जैसे कि भाई ने बताया 4-4 बजे तक उड़े हैं ये। ठीक है, और ये देखिए इनके पंजे, और पूरा दिखाइए भाई जरा इसको, ये देखिए मद्रासी का उतर भी आज आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई इनकी चोंच वोंच देखिए कितनी बड़ी है, ठीक है इनकी मुंडी वगैरह भी बड़ी होती है, इनकी यही पहचानी होती है मद्रासी की, उड़ान भी अच्छी होती है, लेकिन ये खाते भी बहुत गजब गजब की चीज़ें हैं। मद्रासी कबूतर दिखाया, ये उसी का बाप है, मतलब कि उसी के सारे पट्टे हैं जितने भी हैं भाई के पास, और ये भाई कबूतर जो है दिल्ली से लाए थे। ठीक है, और ये देखिए ये भी बहुत ही गजब का होता है, लेकिन इसको ब्रीड पर डाल दिया है भाई ने, भाई वहाँ उड़े हमने नहीं उड़ाए, अच्छा यहाँ नहीं उड़ाए इनको, ये भी मद्रासी में है। और आप लोग कैसे लगे कबूतर आज की वीडियो के हमें कमेंट बताइएगा। ये देखिए